फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि आप अपना सीपीयू कैसे रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी के मदद के। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप हैं जो कि सीपीयू को रोकते हैं चालू होने से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये रैम है, जो ये आपको दे सकते हैं, ये रैम लगे हैं, वो रैम सबसे ज़्यादा रोकते हैं सीपीयू को रोकने से, सीपीयू को चालू करने से रैम सबसे ज़्यादा रोकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको ऐसे निकालना है और फिर वापस लगा देना है। रैम निकाल के बस आपको वापस लगाना है, या तो आपका स्लॉट ख़राब हो गया होगा या तो आपके रैम में कुछ स्लॉट में कुछ हो गया होगा, तो आपको बस रैम निकाल के वापस लगा देना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो उस रैम को वापस निकाल के दूसरे स्लॉट में लगा दीजिए, तो आपका शायद कंप्यूटर चालू भी हो सकता है। और फिर दूसरा स्टेप है ये, आप जो यहाँ पे एक सेल टाइप का देख सकते हैं, बैटरी, उसको बैटरी कहते हैं, और उसको सिर्फ 30 सेकंड पे निकाल के वापस लगा देना है, तो सीपीयू आपका चालू हो जाएगा। बस ये दो स्टेप, और थर्ड स्टेप है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्लग, ये आपका हो सकता है कि आपका ये प्लग ढंग से नहीं लगा हुआ, आपको इसको वापस निकालना है और वापस लगा देना है एकदम टाइट, तो आपका सीपीयू चालू हो सकता है। और बस ये तीन स्टेप आप घर पे कर सकते हैं, बाकी स्टेप्स में आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, आप वो खुद नहीं कर सकते हैं, वो है या तो आपकी ड्राइव में प्रॉब्लम होगी या तो आपके सर्किट में, आप सर्किट दे सकते हैं या तो आपको वायर निकला होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड, डू इट केयरफुली एंड डू इट इन द फ्रंट ऑफ सम एल्डर्स। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।